हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं फिल्म बीट। लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स 2018 का आयोजन मुंबई में हुआ। इस अवार्ड शो में बी टाउन के कई सारे सितारों ने शिरकत की। इस इवेंट में दिवंगत सुपरस्टार श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर और जानवी कपूर ने भी शिरकत की, जिसकी तस्वीरें हम आपके लिए लाए हैं। इस इवेंट में जानवी थीम के अनुसार तैयार होकर आई थी। हेवी गाउन में चलने में जानवी को काफी परेशानी हो रही थी। सपनों की नगरी मुंबई में रविवार को लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड की हसीनाओं ने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने भी पहली बार इस अवार्ड शो में भाग लिया, लेकिन जब वो रेड कार्पेट पर पहुंची तो सभी की निगाहें उन पर थम गईं। जानवी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। यही वजह है कि उनकी फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। व्हाइट कलर के गाउन, नेचुरल मेकअप और प्यारी सी स्माइल देकर जानवी ने सभी का दिल जीत लिया। वो इस खूबसूरत ड्रेस में बेहद प्यारी लग रही थी। इस अवार्ड शो में जानवी के अलावा धड़क में उनके को स्टार रहे ईशान खट्टर ने भी शिरकत की। खबरों की माने तो दोनों ने स्टेज पर एक परफॉर्मेंस भी दिया है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं पहली बार स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ और वो भी ईशान के साथ, जो कि बहुत अच्छे डांसर है। तो मैं थोड़ी डरी हुई हूँ, लेकिन हम हमारे गाने पे नाचने वाला है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को हमारा परफॉर्मेंस पसंद आए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एज अ फ्रेंड एंड स्पेशली एज एन ऑडियंस मेम्बर, क्योंकि मैंने उनका ट्रेलर देखा है और उनका गाना स्वीट हार्ट जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है वो भी देखा है, और वो इतनी खूबसूरत लग रही है, क्या अदायगी, सब कुछ कर रही है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और कहानी भी बहुत दिलचस्प लग रही है मुझे। नहीं नहीं, उनको मेरी टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको कैसे मालूम? तो हाँ, सवाल क्या था? अच्छा, मुझे लेट मी फिनिश जी। आपका सवाल मुझे समझ में नहीं। देखिए, मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैंने मेरी जगह को खुद कमाया है। हाँ, मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला मेरी पहली फिल्म के साथ, और यू नो, आई होप कि आप सबको मेरा काम पसंद आया। लेकिन अभी भी मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत और बहुत कुछ करना है मेरे करियर को लेके, मेरे काम को लेके, और इंशाल्लाह एक दिन मैं इस हक से कह पाऊँगी कि मैं हाँ इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसे लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।